हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आप में से बहुत सारे लोग मुझे स्पेशली बोल रहे हैं कि मैम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एक रीडिंग कर दीजिए, उससे काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है। तो आज हम आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की ही रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो डेक्स रखे हैं। मेजर अरकाना से मैं लूँगी 3 कार्ड्स, ठीक है? एक पास्ट, रिसेंट पास्ट के लिए, एक अभी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए और एक इमीडिएट फ्यूचर के लिए, ठीक है? और टैरो से भी हम लेंगे 3 3 कार्ड्स, जिससे मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन और आपके बीच में रिसेंट पास्ट कैसा गया है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। रीडिंग में आपको ये ध्यान देना है कि अगर पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट कर रहा है तो आप आगे फ्यूचर को अपने साथ लेकर चलिएगा, और अगर पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट नहीं कर रहा तो जाने दीजिएगा, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। एक बात और, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि मैम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर आप छोटे छोटे वीडियोज़ बना दीजिए, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कपल्स के बीच में प्रॉब्लम चल रही हैं या किसी तरह का जो रेमेडीज़ होती हैं उस पर आप वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। तो काफ़ी लोगों का बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम रेमेडीज़ पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। तो अगर हो सकेगा तो शॉर्ट वीडियो, अगर मुझे लगेगा कि अच्छे से डिटेल करनी है तो मैं लॉन्ग वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी। ब्लैक मैजिक पर भी बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है, तो ब्लैक मैजिक की वीडियो भी 2 दिन के अंदर आ जाएगी। मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और अपने काम में, तो जैसे ही मेरा टाइम मिलता है ना मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाकर दे दूँगी, तो एडमिन लोड कर देंगे, ठीक है? तो मैंने बोला हुआ था बट एक 3 4 दिन लेट हो गया, तो बहुत जल्दी ब्लैक मैजिक पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि क्या साइंस हैं और क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। सी, मुझे याद आया इसलिए मैंने बता दिया। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। आ हा 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 हा, इतना सुंदर कार्ड दे दिया है एंजल्स ने। आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के पर्सन, ऐसा लग रहा है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। यस, न्यू बिगनिंग, वाइब्रेशन इज़ वेरी पॉजिटिव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आफ्टर 3 शफल मैं लूँगी 3 कार्ड इमीजिएट पास्ट, जो बीता है रिसेंट पास्ट, 3 कार्ड प्रेजेंट और फिर 3 कार्ड फ्यूचर आफ्टर 3 शफल। 1 2 3, दिस इज रिसेंट पास्ट, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक है म्यूचुअल एनर्जी, ठीक है? इससे भी हम आफ्टर 3 शफल लेंगे। 1 2 3, दिस इज़ योर रिसेंट पास्ट, दिस इज़ योर प्रेजेंट, दिस इज़ योर फ्यूचर। इससे भी हम लेंगे एक म्यूचुअल कार्ड, ठीक है? सो ये एनर्जीज़ हैं। अब हम देखते हैं एनर्जीज़ क्या हैं। होप आपको कार्ड्स में अच्छे से दिखा पाऊँ, बिकॉज स्प्रेड तो कर दिया मैंने, 1 बाय 1 ही ओपन करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट जो बीता है, देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पास्ट में बहुत हैप्पी थे, मतलब जो रिसेंट पास्ट बीता है काफ़ी अच्छा था आप लोगों का। या तो आप लोग सेम कंपनी में काम करते हैं या तो सेम कॉलेज से बिलोंग करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, आपकी मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी थी रिसेंट पास्ट में, काफ़ी स्टेबल थे आप दोनों के बीच में प्यार बहुत अच्छा था, बहुत एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, शादी का प्लान भी किया था आप लोगों ने, शादी के वादे भी किए थे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए। मतलब आपको आज की सिचुएशन जो भी होगी आप भी सामने आएगी, बट पास्ट आप लोगों का काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम स्ट्रगल रहा है, बिकॉज वी हैव गॉट एड ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा कभी प्रॉब्लम हुआ तो कभी आपने सॉल्व कर लिया, कभी प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने सॉल्व कर लिया, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। बट ओवर एंड ऑल काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी रही है पास्ट में। प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं, ये मेजर अरकाना मैं लास्ट में ओपन करूँगी। प्रेजेंट सिचुएशन वी हैव हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में लव लाइफ में प्यार तो अभी भी है जैसे था, लेकिन आपके या आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी घुस चुकी है
या इंटरफेयर कर रही है, ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। देयर इज़ सम थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी कास्ट कल्चर ट्रेडिशंस, मे बी पेरेंट्स, मे बी अदर सिचुएशन, मे बी कोई एक्स्ट्रा अफेयर, कुछ भी हो सकता है। सबकी एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ गई है जिसकी वजह से आप दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस में आए हैं, या तो बात हो रही है तो बहुत कम बात हो रही है, इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन, या ब्लॉक करके रखा है आपको। डाउट भी बहुत ज़्यादा होता है, शक भी बहुत ज़्यादा होता है, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो शक की वजह से है। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं, अपनी जगह चलो सब लोग। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर रीसेंट पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन रेजोनेट करेगा, आपके पर्सन हो सकता है प्रेजेंट में बात भी कर रहे हों बट कमिटमेंट को लेकर ही और शी इज़ नॉट स्टेबल, कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार प्यार करते हैं तो शादी क्यों नहीं कर रहे, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, फैमिली से क्यों नहीं मिला रहे, छुपा कर क्यों रखा है, और या तो बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ये सिचुएशन यहाँ प्रेजेंट में है। इमीजिएट जो फ्यूचर होने वाला है वो देख लेते हैं। इमीजिएट फ्यूचर में वी हैव गॉट द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, इमीजिएट फ्यूचर में आपकी तरफ कोई निर्णायक फैसला होगा, डेफिनेटली आपके पर्सन लौट कर आने की एनर्जी में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ वापस आना चाहते हैं, एक ग्राउंडेड एनर्जी के साथ, एक सोच समझ कर निर्णय लेना चाहते हैं। आपकी तरफ स्पाई बहुत ज़्यादा करने वाले हैं रिसेंट, जो अभी इमीजिएट फ्यूचर होने वाला है उसमें, तो ये इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी है। इमीडिएट फ्यूचर की बात करें तो 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो रीडिंग है जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 7 दिन के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। देखते हैं इमीडिएट जो रिसेंट पास्ट गया है उसमें क्या है। यहाँ पर है द फूल, कोई एक है जो पास्ट में बहुत बिंदास था या थी, ठीक है, बिल्कुल बिंदास, उसको कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, किसी तरह का फियर नहीं था पास्ट में, बिल्कुल बिंदास आपसे प्यार का इजहार करना, आपको एक्सप्रेस करना, आपको कमिटमेंट देना, इस तरह की एनर्जी थी। प्रेजेंट सिचुएशन में पावरलेस हैं, यहाँ पर पावर की एनर्जी है, या तो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं कि हाँ मुझे शादी करनी है, मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन अभी टाइम लगेगा, और या तो बिल्कुल ही पीछे हट रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड इनर पॉजिटिव इनर नेगेटिव दोनों सिचुएशन दर्शाता है। तो यहाँ पर क्योंकि कार्ड में जगलिंग है तो यहाँ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो अब अपनी ही बातों पर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है कि यार मैं ही क्यों एफर्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, उसकी तरफ से भी तो एफर्ट होना चाहिए। एंड इमीजिएट जो फ्यूचर होने वाला है, वी हैव गॉट द लवर्स, तो यहाँ बहुत सारे लोगों का देखिए यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यूनियन तो डेफिनेटली होना है, ये चीज़ें हैं। चैरियट का कार्ड है, एंजल्स ने आपको पहले ही ये गाइड कर दिया था, सबसे पहले जब मैं शफल कर रही थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो इमीजिएट जो फ्यूचर है आपका बहुत बेहतरीन है, ये एनर्जी है, क्लेम कर लें फटाफट इस इमीजिएट फ्यूचर को। म्यूचुअल कार्ड्स देखते हैं, म्यूचुअल कार्ड्स में है द स्टार एंड जजमेंट। होपफुल रहिए, जो भी जजमेंट होगा वो आपके फेवर में होगा, इस रिश्ते के फेवर में होगा। आपके पर्सन और आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पर जो एनर्जी है, साइंस सभी हैं गाइस, तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत होपफुल हैं इस रिश्ते को लेकर। यहाँ से भी देखिए वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी एक ग्राउंडेड एनर्जी है, सोच समझ कर ही निर्णय लेंगे। यहाँ से द लवर्स है, तो डेफिनेटली यहाँ परमानेंट यूनियन या परमानेंट हारमोनियस यूनियन या कमिटमेंट की एनर्जी है। यहाँ से द स्टार है म्यूचुअल कार्ड में, तो डेफिनेटली होपफुल रहिए, कुछ अच्छा ही होगा और जो निर्णय होगा वो आपके फेवर में होगा, ये हमने फ्यूचर कार्ड्स में देख लिया है। सो ओवरऑल यहाँ पर इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपकी एनर्जी से रेजोनेट करती है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर यही सिचुएशन है तो क्लेम करें रीयूनियन को, ठीक है, क्लेम करें कि आपके पर्सन वापस आ चुके हैं, ऐसी एनर्जी में क्लेम कीजिए, बिकॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में क्लेम करना चाहिए। एंड होपफुल रहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस सब ख़त्म हो चुका, मेरे लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, या मेरे पर्सन ने तो बोल दिया अब इनके अंदर शक्ति नहीं है आपके लिए स्टैंड लेने की, या आप दोनों के बीच में फैमिली टपक गई है बीच में और फैमिली बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रही है, या तो आपकी या तो उनकी, तो ये सारी चीज़ों को सोचकर अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो आपका यूनियन होने वाला होगा तो भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और यूनिवर्स हमेशा सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को फॉलो करती है। तो अगर यूनिवर्स को ये चीज़ें लगेंगी कि आप पॉजिटिव नहीं हैं,
आप खुद ही हार मान रहे हैं तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं करेगी। तो इसीलिए कई बार होता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं और मुंह से हम कहते हैं अरे मेरा यूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। फिर आपको लगता है कि यार मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट मेरी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रही। तो कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट करें, मैंने अपने हर स्पेल में सिखाया है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।